गुजरात टाइटंस की टीम को धोबी पछाड़ मारते हुए चेन्नई की टीम ने आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बना ली, तो वही हार के बाद काफी ज्यादा निराश नजर आए शुभमन गिल, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर हार की बड़ी वजह का खुलासा किया है। तो चलिए जानते हैं क्या कहा शुभमन गिल ने हारने के बाद। आईपीएल का यह पहला क्वालिफायर मुकाबला चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला गया था। टॉस जीता गुजरात टाइटंस की टीम ने और पहले गेंदबाजी चुनी। गेंदबाजी चुनने का यह विकल्प चेन्नई सुपर किंग के पक्ष में रहा, क्योंकि सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और देवौन कौन विनय बड़ी ही समझदारी से बल्लेबाजी करी, पावर प्ले का फायदा उठाया। 7 ओवर में 60 रन लगभग बोर्ड पर लग चुके थे। पहला फैशन चेन्नई सुपर किंग्स के पाली में जाता हुआ नजर आ रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ 60 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद शिवम दुबे भी सिर्फ 1 रन ही बना सके। 90 के स्कोर पर 2 विकेट हो गए थे और यहां से चेन्नई के स्कोर पर अब लगाम लगनी शुरू हो गई। अजिंक्य रहाणे और कॉनवे ने धीमी गति से बल्लेबाजी करी। अजिंक्य रहाणे भी 17 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद कोई भी बल्लेबाज कुछ बड़ा नहीं कर सका। रायडू ने भी 17 बनाई। रविंद्र जडेजा 16 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने भी 2 गेंद में 1 रन बनाया। अंत में 4 गेंदों में 9 रन मोइन अली थक गए और टीम 172 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। महेंद्र सिंह धोनी इस स्कोर को बचाने के लिए पहले से ही रणनीति बनाकर आई थी। उन्होंने शुरुआत में ही रिद्धिमान साहा को 12 के स्कोर पर दीपक चहर की गेंद का शिकार बनवा दिया। पहला विकेट जल्द ही मिल गया और उसके बाद कप्तान हार्दिक पंड्या बल्लेबाजी पर आए थे, जो सिर्फ 8 रन के स्कोर पर कैच आउट हो गए। दूसरा विकेट चेन्नई की टीम को मिल गया, लेकिन यहां से महेंद्र सिंह धोनी के फैसले ऐसे रहे जिन्होंने गुजरात टाइटंस की टीम की कमर को ही तोड़ कर रख दिया। उसके बाद शना का 17 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए और डेविड मिलर को रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 4 रन के स्कोर पर बोर्ड मार दिया। 88 रन के स्कोर पर 4 विकेट हो गए थे। अब सारी जिम्मेदारी शुभमन गिल के कंधों पर आ गई थी और धोनी ने रणनीति बनाते हुए दीपक चहर को गेंदबाजी के लिए बुलाया और दीपक चहर ने आते ही शुभमन गिल को फाइन लेग की दिशा में कैच आउट करा दिया। 42 के स्कोर पर 88 रन पर ही 5 विकेट हो चुके थे और यहां से चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा पूरी तरह से भारी था। बता दें कि तीक्ष्ण ने राहुल तेवतिया को भी 3 रन के स्कोर पर बोल्ड मार दिया और यहां पूरी तरह से मैदान पर सीएसके का परचम लहरा रहा था। 102 रन 15 ओवर के बाद हो चुके थे और 5 ओवर में जीत के लिए लगभग 71 रनों की जरूरत थी। राशिद खान और विजय शंकर क्रीज पर मौजूद थे। उसके बाद विजय शंकर और राशिद खान ने छोड़ी थी उम्मीद जरूर जताई। राशिद खान ने तेज चौके छक्के लगाए। 3 ओवर में जीत के लिए 39 रन की जरूरत थी, फिर विजय शंकर आउट हुए। उसके बाद राशिद खान भी इस मुकाबले में 16 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस मुकाबले को अंत में 15 रन से जीत गई। हार के बाद शुभमन गिल का बड़ा बयान सामने आया है। गिल ने कहा कि यह मुकाबला सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम धोनी भाई की वजह से हारी है। उन्होंने बताया कि धोनी भाई ने विकेट के पीछे से वह कुछ ऐसे अहम फैसले लिए जिसकी वजह से मुकाबला हमारी टीम की झोली से निकल गया। भले ही शुरुआत में विकेट निकल गए हो, लेकिन मैं जब तक क्रीज पर खड़ा था मुझे उम्मीद थी कि मैं अपनी टीम को जीत दिला दूंगा, लेकिन धोनी भाई का वह अहम फैसला काफी ज्यादा खतरनाक रहा जब उन्होंने बीच में ही दीपक चहर को गेंदबाजी के लिए बुला लिया और उन्होंने मेरे विक पॉइंट पर गेंदबाजी करने की सलाह दी। दीपक ने गेंदबाजी की रफ्तार में परिवर्तन करते हुए मुझे बाउंसर गेंद डाली, जिसकी वजह से हमें बड़ा शॉट खेलने की वजह से कैच आउट हो गया और यही मैच का टर्निंग प्वाइंट रहा, क्योंकि मैं फाइन लेग की दिशा में कैच आउट हो गया। मैं इनफॉर्म बल्लेबाज था, मुझे उम्मीद थी कि मैं अपनी टीम को जीत दिला देता, लेकिन
धोनी भाई का यह फैसला हमारी टीम के ऊपर ऐसा हावी हुआ कि हमारी टीम इस मुकाबले को हार गई। इस मुकाबले में जीत काफी जरूरी थी, लेकिन धोनी भाई के कुछ फैसलों के चलते ही हमारी टीम उनके जाल में फंस गई। अब हमारे ऊपर भी काफी ज्यादा दबाव रहेगा दूसरे मुकाबले में जीतकर फाइनल में पहुंचने के लिए, लेकिन धोनी भाई के चलते ही हमारी टीम इस मुकाबले को हारी। अगर कोई और कप्तान होता तो शायद हम इस स्कोर को आसानी से चेस कर लेते। इस तरह से शुभमन गिल ने हार का जिम्मेदार महेंद्र सिंह धोनी को बताते हुए अपनी बात कही। बस आप सभी धोनी की शानदार कप्तानी और चेन्नई की जीत पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।